गाइस, अगर आप लोगों को भी ठंड में गर्म हवा का एसी चाहिए और तो इसके लिए डाइकून का एसी बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। इस एसी के साथ ही रिमोट मिलता है जिसके फंक्शन ही हम आज देख लेते हैं फटाफट की क्या है। सबसे पहले मैं आपको बाकी फीचर्स तो बाद में बताऊंगी, जिस फीचर्स के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा था मैं उसके बारे में सबसे पहले बताती हूँ। क्योंकि ये जो फीचर है जो हमको समझने में इश्यू आया था और हमें लगता है कि आप लोगों को भी आएगा, बाकी सारे तो कॉमन से ही है, जो कि है इको नो और एक क्वेंडा। तो ये जो इको नो है ये कुछ नहीं है, जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपका ये, अगर आप इको नो प्रेस करते हैं, ये देखिए, अगर आप इको नो प्रेस करते हैं तो ये एक साइन बन के आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक मोड में चला रहे हैं, बस यही इसका मतलब है। कुछ कंफ्यूज मत होगा, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने ये प्रेस कर दिया तो ये एफिशिएंट से जो दूसरे एसी के मॉडल्स हैं उसके अंदर, इसे इकोनॉमिक मोड कहा जाता है, इको मोड कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, वही सेम इसमें है। ये अगर ऑन है तो ये साइन आ जाएगा, बस कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल फीचर है जो हमने इसी मॉडल में देखा है डाइकिन में, हमने बाकी में नहीं देखा है, वो है कोवांडा। कोवांडा एक अच्छा और काफ़ी पावरफुल फीचर इसे मैं कहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लोगों को, खास करके मुझे भी हुआ है, कि एसी की डायरेक्ट हवा आपको लगती है उससे कोल्ड होता है, मतलब आपकी नोज से आप उसे स्मेल इन करते हैं तो आपको कोल्ड हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोवांडा को जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर ये आपको साइन मिल रहा है। अगर आपको इसे बंद करना है तो फिर से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ऑन कर देंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। इसका क्या फीचर है कि अगर आपने कूल पे इसे सेट कर रखा है तो ये इसकी जो विंड जो होती है आपकी, जैसे हवा आती है एसी की, जो आपके स्विंग वगैरह आप सेट करते हो, वो जो एरिया है वो इसके जो विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, मतलब जो हवा है वो ऊपर, मतलब रूफ से टच होके आपके पास आएगी, डायरेक्ट एसी से नहीं आएगी, कहीं और से घूमती हुई आएगी, रूम से जो रूफ है उसे टच होके आएगी। और अगर आपने हॉट पे सेट किया हुआ है तो आपके वो जो विंड्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाएंगे और नीचे से हवा आएगी, मतलब दोनों ही केस में आपको डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें, अगर आप देखेंगे कि भैया ये तो तुमने बता दिया, लेकिन हॉट हीट कैसे इसको, मतलब हॉट टेम्परेचर पे कैसे सेट करना है, उस पे ठंडे पे कैसे सेट करना है, तो उसके लिए आप मोड पे जाएंगे। मोड पे प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो ये वाला है ना, जिसमें आपको ये बर्फ बर्फ सी दिखेगी साइड में, ये जो है ये ठंडे का है, ठंडे पे ये सेट हो जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं, सारी कॉमन चीजें हैं ये, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना सूरज सा, ये सूरज सा जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपको हीट, अब ये कूल, वो मतलब आपको गर्म करेगा रूम को। इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इसको एज अ ब्लोअर यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है, बहुत सफोकेटिंग कर देता है रूम को, तो आप प्लीज कहीं से थोड़ी बहुत वेंटिलेशन इसको चला के ही छोड़ना, मतलब कहीं से आपकी हवा पार हो रही हो, और रात को तो उसको पूरी रात जला कर तो छोड़ना ही मत। सोने के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगी नहीं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये आपका काफी, मतलब रूम को सफोकेटिंग कर देता है, टेम्परेचर सही कर देता है काफी ठंड में, लेकिन आपका सफोकेटिंग हो जाता है, तो प्लीज इसको आप वैसे मत रखिएगा। और ये जो साइन है ये आपका गर्म करने के लिए यूज होगा, और ये आपका ड्राई है, ड्राई मतलब कि फैन हो गया, मतलब सिर्फ पंखे की तरह काम करेगा ये और कुछ नहीं, और ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। बाकी ये फैन है, फैन तो आपको पता ही होगा, ये फैन की स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, ये पहला सबसे कम, फिर ज्यादा और ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक है, ये नाइट मोड है, मतलब नाइट में ये एफिशिएंटली उसे यूज करे, ये उसके लिए है, और फिर से फैन का ही है, ठीक है। स्विंग आप लोगों को बताइए कि स्विंग ये क्या करता है, पावरफुल एक मैं बता दूं, जो बॉडी सा आदमी बना हुआ है, इसका मतलब है टर्बो। अगर आप इसे प्रेस कर देंगे तो जो बाकी आपको कॉमन टर्मिनोलॉजी में पता ही होगा कि टर्बो पे चला दो, टर्बो पे चला दो, वही चीज है और कुछ नहीं है। इसको प्रेस कर देंगे तो 20 मिनट्स तक आपका ये चलेगा, और अगर 20 मिनट से पहले बंद करना है तो फिर से प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे आप बाहर से आते हैं एकदम से, आपको ठंडा या गर्म चाहिए तो ये आपका कर देगा। रूम टेम्परेचर वाला जो बटन है ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि रूम टेम्परेचर कितना है। अगर आपका रिमोट बंद है, एसी बंद है, उसके बाद भी अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो एक बार रूम टेम्परेचर बता देगा। उसके अलावा नीचे जो आप इसका ही हटाएंगे, बाकी सारी चीजें, आपकी स्मेल प्रूफ का एक फीचर है, स्मेल प्रूफ मतलब इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका एक आइकन बन के आ जाएगा। ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला इस टाइप का आइकन बन के आ जाएगा, और इस टाइप के आइकन जब आपका होगा ऑन
तो उस टाइम पे आपको दिखेगा। अभी ऑन नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर ये आइकन बन के आ रहा है उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एसी के पास होना होगा। अभी मैं एसी के पास नहीं हूँ इसलिए ये अभी बन के नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेगा, बाहर की कोई भी अगर आपकी स्मेल है तो उसे अंदर नहीं आने देगा। बैक लाइट तो कुछ नहीं है, बस ये पीछे से लाइट जल जाती है, ये वही है। अगर रात को आपको जलानी है, चाइल्ड लॉक कोई बच्चे के पास अगर चला जाए तो बच्चे को देने से पहले आप इसे ऑन कर देंगे, 2 सेकंड के लिए इसे दबाएंगे तो ऊपर ये इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, और फिर इसे बंद करने के लिए 2 सेकंड के लिए आप प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। बाकी टाइमर का है, टाइमर वही ही है जो होता है जनरली ऑफ ऑन ऑफ ऑन करने के लिए। ऑन पे प्रेस करें, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लें ये ऑन है, फिर यहाँ से टाइम सेट कर लें, उसी तरीके से ऑफ से कर लें, कैंसिल कर देंगे तो वो अनसेट हो जाएगा। इससे आपका टाइमर का पता चल जाएगा। इस वाले मॉडल में अगर आप ऑन करते हैं तो एक ग्रीन लाइट जलती है एसी में, डाइकिन के में, और ऑफ करते हैं तो एक येलो जल जाती है। एक एक गुड स्लीप का अलग से दे रखा है इन्होंने। गुड स्लीप क्या करेगा आपका, आपके टेम्परेचर को किसी एक टेम्परेचर माइनस जो वेरिएशन होगा आपके टेम्परेचर का उसको बताएगा। अभी अभी यहाँ पे मेरा एसी नहीं है इसलिए ये दिखा नहीं रहा है। मैं आपको अगर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। गुड स्लीप को प्रेस करके आप +1 -1 इस तरीके से +2 आप सेट कर सकते हैं इन्हीं के कंट्रोल के थ्रू। अगर आपको उसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमें बताइएगा, हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो उसकी दे देंगे। बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये आपका एक टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए ही यूज होता है, और ये नॉर्मल टाइमर्स लगाने के लिए ही यूज है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।